कोमल की मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वो किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकलूंगी, वही 1.5-2 घंटे लगेंगे गुरुग्राम पहुंचने में, रास्ते में बहुत जाम मिलता है, तो मेट्रो से आ जा। मम्मी वो अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब कर लिए, आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है कोमल, आ जाना टाइम से, मैं खाना तैयार रखूंगी। कोमल फोन पर कुछ और कहती, उससे पहले ही फोन कट गया। कोमल मायके जाने की तैयारी करने लगती है। रिंकू और दिशा की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसी वजह से कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से न जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस की, वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। कोमल खुश थी कि वो बहुत दिनों बाद मायके रहने जा रही है। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से कोमल बहुत कम मायके रहने जा पाती थी। अब बच्चों की छुट्टियां थी इसलिए कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जाती है। पर जब वो मायके पहुंची तो उसकी भाभी सुनैना घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी कोमल पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि सुनैना अपने दो बच्चों चारू और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काटकर अपनी बेटी को ही खिला दिए या फिर एक दो छोड़े भी हैं? कैसी हो कोमल? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ, वो बच्चे मैंगो की जिद। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए, पूरे 5 किलो है। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं, मैं भी कुछ न कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। सुनैना, कोमल भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। सुनैना रसोई में चली जाती है, पर कोमल उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ ना पसंद नहीं करती हूँ, मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊँ। सुधीर तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं, मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊंगी, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई, अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी मायके। अरे सुनैना की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो ऐसी ही है, उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए, और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है, अभी क्योंकि मैं जिंदा हूँ इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है, आराम से रह, आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पलके बिछा देते। कोमल देखती है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कोमल उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती। मम्मी, भैया को ना फोन मिला दो, उन्हें कहना मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते हुए आएंगे, बहुत मन हो रहा है। तभी कोमल का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है तू आने वाली है, इसीलिए मैं रास्ते में हलवाई से बंगाली रसगुल्ले लेता हुआ आया हूँ, ये ले तेरी पसंद के बंगाली रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। नमस्ते भैया, कैसे हो? थैंक यू, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं, सब बढ़िया? जी भैया सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया, लेते हुए आना। अरे मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे जो मैंने बोली है, बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले, और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, रिंकू और दिशा देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी जरूरत नहीं है, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं, और दाल चावल बने हैं ना तो उसके साथ रोटी की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस समय रवि देसी घी लेने के लिए चला जाता है। सुनैना आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही कोमल कभी रहने के लिए आ जाए तो वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से कोमल मायके आना पसंद नहीं करती थी, वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के मुंह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। कोमल का मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी भाभी सुनैना बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा, हमें गेम खेलने हैं। हाँ पापा, चलो ना गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले थोड़ा मॉल में घूम तो लो। कि मॉल कितना बदल गया है, पहले तो छोटा सा था, लगता है बड़ा किया है। हाँ अभी तो और बड़ा बनेगा। मामा जी कॉर्न्स खाने हैं। और मुझे आइसक्रीम। अभी खिलाता हूँ, चलो सुनैना आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है, रिंकू भी अपनी पसंद के कॉर्न्स और आइसक्रीम ले लेता है, सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम गेम पाला चलते हैं, हम सब वहाँ पर गेम खेलेंगे,
रवि जैसे ही सबको गेम पार्लर ले जाने लगता है तो वो देखता है कि आज गेम पार्लर बंद है। भैया गेम पार्लर बंद है? जी गेम पार्लर बंद है, काम चल रहा है। चलो बच्चों अब तो गेम पार्लर बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं फिर घर चलेंगे। रवि सबको घर ले आता है पर घर आकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। सुनैना तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? मैं? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब चारू और दीपू ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और कॉर्न्स की फरमाइश की तुमने फौरन खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो, वो आती है और हमारे घर में कलेश छिड़ जाता है। चुप हो जाओ सुनैना, कोमल सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? कोमल इस घर की बेटी है, मेरी बहन है, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी सुनैना? थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब सुनैना शांत हो जाती है, रवि भैया चारू और दीपू के एडमिशन की बात सुधीर जी ने स्कूल में कर ली है, आप चिंता मत करो, अब इन दोनों का एडमिशन भी रिंकू और दिशा के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, बाकी सारी बात सुधीर जी ने कर ली है। अब जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा, इतने समय से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था, सुधीर जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोमल वापस जा रही है रवि, सुनैना की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया अब मन बहुत दुख चुका है और आप प्लीज मुझे रोकना मत, मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। कोमल जैसे ही बैग उठाने लगती है सुनैना उसका हाथ रोक देती है। कोमल सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन दुखा, तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, सुधीर जी गलत सोचेंगे, कुछ दिन और रुक कर जाना, बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भाभी प्लीज आप मेरे से सॉरी मत बोलो, आप मुझसे बड़े हो। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। सुनैना और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। सुनैना ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है वैसे ही कोमल इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए सुनैना ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गईं। कुछ दिनों से मीरा बहुत परेशान थी। उसकी शादी के बाद जब जब वो अपने मायके अपने भाई भाभियों से मिलने के लिए जाती तो सब उसे खूब लाड प्यार करते, उसकी खूब खातिरदारी करते, पर कुछ समय से वो उनके नेचर में चेंज देख रही थी, इसीलिए उसका मन भी बहुत उदास था। क्या हुआ बहू, तुम थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हो, मुझसे कहो, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। माँ जी शादी से पहले भैया भाभी मेरे से बहुत प्यार से बात करते थे, मेरी छोटी छोटी जरूरतों का बहुत ख्याल रखते थे, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे, पर शादी के बाद मैं जब भी उनसे मिलने जाती हूँ वो मेरे से ठीक से बात ही नहीं करते, और यहाँ तक कि मुझसे मिलने भी नहीं आते, और मुझे उन्होंने बुलाना भी बहुत कम कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से वो लोग मुझसे बात करने से कतराने लगे हैं? हो सकता है बहू ये तुम्हारे मन का वहम हो, पहले तुम उनके साथ रहती थी ना तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता था, अब तुम उनसे दूर हो इसलिए तो उन्हें ज्यादा याद करने लगी हो, तभी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनके मन में होगा, एक काम करो तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहकर आ जाओ, इससे तुम्हारे मन का वहम भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा उदास मन भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू माँ जी, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, मैं कल ही मायके रहने चली जाती हूँ, एक काम करती हूँ मैं उन्हें कुछ बताऊंगी नहीं, उन सबको सरप्राइज दूंगी। अगले दिन मीरा अपने भैया भाभी को सरप्राइज देने के लिए अपने मायके पहुंचती है, पर वहाँ पर तो ताला लगा हुआ था। अरे घर पर तो ताला लगा हुआ है, हो सकता है निशा भाभी और अलका भाभी कहीं बाहर गई हो, थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ, एक काम करती हूँ निशा भाभी के मोबाइल पर फोन करती हूँ। मीरा अपनी बड़ी भाभी को फोन मिलाती है पर फोन ही नहीं मिल रहा था, तभी पड़ोसन उसके पास आती है। अरे मीरा बिटिया कैसी हो? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आपको कुछ आइडिया है कि भाभी कहाँ गई हैं? वो सब तो घूमने के लिए विदेश गए हैं, एक महीने बाद लौटेंगे, वो तुम्हारे भतीजे ऋषि का बर्थडे है ना, वही मनाने के लिए गए हैं। विदेश गए हैं मुझे बताया भी नहीं। आ जाओ बिटिया यहाँ आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ।
नहीं नहीं आंटी जी, मैं फिर कभी आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ, नमस्ते आंटी। मीरा के दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगी, पूरे रास्ते कुछ न कुछ सोचती रही। अजय भैया और विजय भैया तो कह रहे थे कि मेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया है, उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है, पहले ही उनका काम अच्छा नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी कर रहे हैं, पर विदेश ट्रिप में बर्थडे के लिए फिर उनके पास पैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ तक कि घूमने जा रहे हैं वो भी देश से बाहर विदेश में, मुझे एक बार फोन करके बताया तक नहीं। उलझन भरी बातें मीरा के दिमाग में चलती रही। जैसे ही वो वापस ससुराल पहुँची तो उसकी सास और पति दंग रह गए। अरे मीरा, तुम वापस आ गई, तुम तो भैया भाभी के घर रहने गई थी ना। क्या हुआ बहू, तुम लौट क्यों आई? भैया भाभी आउट ऑफ इंडिया गए हैं ऋषि का बर्थडे मनाने के लिए, सब लोग एक महीने बाद लौटेंगे। मुझे एक बार भी फोन करके दोनों भैया और भाभी ने बताया तक नहीं। मैं यही सोच रही हूँ कम से कम एक फोन तो कर देते। हमसे तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए अमित ने लोन लेकर पूरी शादी का खर्च उठाया था। वैसे मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए बहू, पता नहीं तुम क्या सोचोगी, पर उन लोगों के पास विदेश घूमने के लिए पैसे कहाँ आए, जबकि पूरी शादी तो हमने की है, यही देखते हुए कि उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है। ये तो तुम दोनों की लव मैरिज थी, इसी वजह से ना मैंने कुछ बोला, ना तुम्हारे ससुर जी ने और ना ही अमित ने। छोड़ो विमला, ये सब कहने की क्या जरूरत है, बहू पहले ही बहुत परेशान है, ये सब बातें सुनकर ये और परेशान हो जाएगी। अब कोई नहीं, मीरा हमारी बहू है, हमारा खर्चा हो या इसके मायके वालों का, बात एक ही है। अगले एक महीने तक मीरा के भाई भाभियों ने एक भी फोन नहीं किया। अचानक एक महीने बाद एक दिन जब मीरा अपने पति अमित के साथ बाजार गई हुई थी, वहीं उसकी दोनों भाभियां उसे दिखाई दें, पर वो दोनों उससे नजरें चुराने लगी। सुनो, ये तो निशा भाभी और अलका भाभी है ना, इसका मतलब ये लोग विदेश से वापस आ गए, पर इन्होंने आकर भी मुझे फोन नहीं किया, चलो तो मैं बात करती हूँ। छोड़ो ना मीरा, जब उन्होंने ही तुम्हें याद नहीं किया तो तुम क्यों उनसे बात कर रही हो, रहने दो। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, जरा पूछूं तो, वो मेरी भाभियां हैं, उनसे ये सब पूछने का तो मेरा हक बनता है, रुको मैं अभी पूछती हूँ। मीरा जैसे ही अपनी दोनों भाभियों के पास जाने लगती है, उसकी भाभियां उसे देखकर इग्नोर करके चली जाती हैं। निशा भाभी, अलका भाभी, इधर। अरे, मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये माजरा क्या है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मत जाओ, देखो उन्होंने तुम्हें देखा फिर भी नहीं रुकी, चलो अब घर चलते हैं। मीरा घर आकर सारी बात अपनी सास को बताती है। अब तो ये सब सुनकर मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें अनदेखा क्यों कर रहे हैं, कुछ दिन इंतजार करो, देखते हैं क्या पता वो खुद फोन कर लें। अगले कुछ दिनों तक मीरा ने वेट किया, फिर भी किसी का भी फोन उसके मायके से नहीं आया। एक दिन मीरा अपनी सास के साथ किसी काम से बाजार से लौट रही थी, तो रास्ते में उसे अपने पापा के खास वकील दोस्त मिस्टर शर्मा मिल गए, जिनसे उसे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर वो और उसकी सास हैरान रह गए। मुझे तो हैरानी हो रही है मीरा बिटिया, कि तुम्हारे दोनों भाइयों ने बंटवारे का हिस्सा तुम्हें नहीं दिया, जबकि तुम्हारे पापा तो तीन हिस्से करके गए थे, उन्होंने तुम्हारी वसीयत में यही लिखा था कि तीसरा हिस्सा तुम्हारी शादी और तुम्हारे दूसरे खर्चों के काम आएगा, पता नहीं अचानक से तुम्हारे दोनों भाइयों ने मुझे मना कर दिया और मेरी जगह किसी और वकील को हायर कर लिया, मुझे बात ही समझ नहीं आई, अब मैं क्या ही बोलता कि मुझे क्यों हटा रहे हो, मेरा बोलना भी सही नहीं था ना, पर मैं ये तो कहूंगा बेटी कि तुम्हें अपने हक का पैसा लेना चाहिए, वो तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हें भी बंटवारे का हिस्सा मिले, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई भाभियों ने तुमसे बेईमानी की है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि मेरे अपने सगे भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे, वकील अंकल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अपने हिस्से के पैसे अपने भाई भाभियों से ले सकूं। एक बार वो कहते तो सही कि बहन हम तुझे बंटवारे का हिस्सा नहीं देना चाहते, तो मैं हंसते हंसते वो पैसे उन्हें दे देती। अरे मैं तो उनकी सगी बहन हूँ, वो मुझसे जान भी मांगते तो मैं दे देती, पर उन्होंने मुझसे इस तरह झूठ और बेईमानी के सहारे बर्ताव किया है, वो माफी के लायक ही नहीं है। प्लीज अंकल, मुझे किसी भी तरह अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बेटी है। मीरा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, मैं और बाकी घर के लोग भी तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपने खुद ही सारी शादी का खर्च उठाया था, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, अब मैं अपने भाई भाभियों से अपने पापा की जायदाद का हिस्सा जरूर लूंगी जो वो मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। वकील मिस्टर शर्मा की हेल्प से मीरा को अपने पिता की जायदाद में से तीसरा हिस्सा मिल जाता है जो वो उसके नाम करके गए थे, पर मीरा को इस बात का दुख था
कि उसके भाई पैसों के लिए उसके साथ गलत हो गए। आज से मेरा कोई मायका नहीं है। भूल जाना कि आपकी कोई बहन भी थी। ऐसा मत कह मीरा, हमसे गलती हो गई। हाँ मीरा, पैसों के लालच में हम अंधे हो गए थे। नहीं भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। प्लीज अब आप मुझसे कभी भी कोई वास्ता मत रखना। थैंक यू शर्मा अंकल, आपने मेरी बहुत हेल्प की। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने हमेशा के लिए अपने भाइयों से मुंह मोड़ लिया। शायद उसके भाई भाभियों के लिए यही सबसे बड़ी सजा थी।